दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई मंदिर हैं, कई ऐसे धार्मिक मंदिर हैं जहां पर कि लोग जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो रहस्यमय हैं। जी हाँ, क्योंकि इस मंदिर को रहस्यमय मंदिर कहा गया है। भारत में ये कई जगह पर प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं कि भारत में ऐसे रहस्यमय। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड तक देखने के साथ साथ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना ना भूले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीरभद्र मंदिर का रहस्य, जो भारत का मंदिर कहा जाता है। जी हाँ, भारत को अगर मंदिरों का देश कहा जाए उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिक प्राचीन मंदिरियाँ स्थापित हो चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पर इतने मंदिर हैं कि आप गिनते गिनते थक ही जाएंगे और आप गिन भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने ही और अपने भव्यता को लेकर अनोखी सोच रखते हैं और जाने भी जाते हैं। ऐसा ही एक अनोखा मंदिर आंध्र प्रदेश के जिले में है। इस मंदिर के जिले में सबसे खास बात यह है कि इसका एक खंभा हवा में लटका हुआ है, लेकिन इस मंदिर का रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है। इस मंदिर का नाम है लिपाक्षिक मंदिर, जिसे सुनकर हैंगिंग प्लग के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं। वो रहस्यमय मंदिर जिसमें से एक खंभा जो कि जमीन से ना जुड़कर हवा में खड़ा है। तो यही बात एक रहस्यमय मंदिर का होता है। इसमें एक खंभा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि खंभे के नीचे से कुछ निकालने से घर में सुख समृद्धि आती है, और यही वजह है कि यहाँ पे आने वाले लोग खंभे के नीचे से कपड़ा जरूर निकालते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का खंभा पहले जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने ये जानने के लिए कि ये मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, इसे हिला दिया, जिसके बाद ये खंभा यानी कि हवा में ही झूला रहा। इस मंदिर में इष्ट देव भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, और क्रूर रूप वीरभद्र है। वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद ये यहाँ पर आए थे। इसके यहाँ अलावा यहाँ पर भगवान शिव के अन्य रूप भी, अर्ध नागेश्वर, कंगाल मूर्ख, दक्षिण मूर्ति और त्रिपुरदा मूर्ति भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर विराजमान माता की विस्तृत पर काली भी कहा जाता है। कुर्मा जिले की पहाड़ियों में बना ये मंदिर कछुए के आकार में बना हुआ है, और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण रूपन्ना निर्मन्ना नाम के भाइयों ने किया था। 16वीं सदी में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जो कि विजयनगर के राजा के यहाँ पर काम करते थे। हालांकि पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था। चलिए बढ़ते अगले मंदिर की ओर, द फेदर्स सेकेंड। दोस्तों, अब आपको बताते हैं जो सेदर्स टेम्पल है। जी हाँ, जो सबसे अलग है। जी हाँ, इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए किसी की बस की बात नहीं है। कहा जाता है कि इस टेम्पल में कम से कम हजारों साल पहले लोगों की बलि दी जाती थी। यहाँ का इतिहास भी बहुत अलग है। यहाँ के लोगों का मानना है कि सूर्य देवता को खुश करना है और उनका आशीर्वाद लेना है तो आपको इंसानों की बलि देनी होगी। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है, क्योंकि कई सारे लोगों के सिर आज भी यहाँ मौजूद हैं। और कयास ये भी लगाया जाता है कि ये वही हैं जिनकी बलि दी गई होगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको हम ये भी बता दें कि इस मंदिर को जिस तरीके से बनाया गया है वो भी रहस्यमय है। हमारे अनुमान के हिसाब से सैकड़ों साल लगे होंगे इस मंदिर को बनाने में। कैलाश मंदिर दोस्तों से मंदिर बने हुए एक ऐसे मंदिर के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो कि एक अजूबा ही नहीं बल्कि एक लौता भी है। जी हाँ, सह्याद्री पर्वत पर बना ये मंदिर गुफाओं में से एक है। कैलाश मंदिर, जिसे कैलाश मानसरोवर के नाम से भी जाना जाता है,
कहा जाता है कि एक रानी के हाथ ने दुनिया के सबसे बड़े अजूबे का निर्माण करवा दिया, जिसमें सब में देश और दुनिया में देवताओं के देव महादेव शिवजी जी का तीर्थ है, जिसे बनाना आज के आधुनिक दौर पर बनाना नामुमकिन है। बावजूद इसके चट्टान को कुछ तरह से तलाशा गया है कि जब इंसान के हाथ में छीनी हथौड़े होंगे तो इस मंदिर को कैसे बनाया गया होगा। पर जब सवाल ये उठा कि चीनी हथौड़े के साथ 400,000 टन पत्थर तोड़कर इसे निकाला गया था, या फिर ये मंदिर अपने आप में एक अजूबा बन गया है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर कई सारे ऐसे सवाल उठे थे जिसका जवाब देने के लिए अब कोई भी नहीं है। वही इस मंदिर का निर्माण को लेकर सवाल उठते हैं। दावा किया जाता है कि इस मंदिर को इंसान नहीं बल्कि एलियन द्वारा बनाया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या एलियन हमारे तरह देवों के देव महादेव शिवजी जी को भी पूजते थे, क्योंकि इस मंदिर को बनाना किसी मानव के बस की बात नहीं है। साथ ही कैलाश मंदिर का काम भी यही कहता है कि आप खुद ही सोचिएगा, क्या आपको देखकर इस मंदिर को लगता है कि पहाड़ों को काटकर इस तरह से बनाना किसी इंसान का काम हो सकता है। वाकई में ये मंदिर लाजवाब है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अंकोरबार मंदिर। जी हाँ दोस्तों, भारत में अलग अलग प्राचीन हिंदू मंदिर है, आपने सबके बारे में सुना होगा, अवश्य ही सुना होगा। लेकिन आज हमको एक विशाल मंदिर हिंदुओं के मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भारत में नहीं बल्कि विदेश में बना हुआ है और इसकी टक्कर का विशाल मंदिर खुद भारत में भी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर की, अंकोरबार की, जो कंबोडिया में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइम्स ऑफ इंज्यूमर ने दुनिया के सबसे बड़े रोमांचक मंदिर में शामिल किया गया है। साथ में ही ये मंदिर कई वर्ल्ड किलोमीटर में फैला हुआ है और यही वजह है कि दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव जी के साथ साथ विष्णु जी को अर्पित करके बनाया गया है और ये कंबोडिया देश के नागरिकों को काफ़ी प्यार और सहयोग देते हैं इस मंदिर को। और इतना ही नहीं, इस मंदिर को कंबोडिया के राजनीय स्थानीय में भी साथ दिया गया है तथा इसे देश के राष्ट्रपति रूप के लिए भी माना जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, कैसी है मंदिर की बनावट बताते हैं अब हम आपको। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हमें लगता है कि आपको वीडियो देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस मंदिर के अंदर आप रामायण और अन्य कई चीज़ों को उखेड़ा हुआ देख सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर में जो भी एक डेकोरेट हुआ गया है, साथ में ही दीवार पर ऐसे मंथन के दृश्य बनाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान इंद्र ने अपने पुत्र राज के लिए एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां तीनों देवताओं की पूजा एक साथ की जाती है। इस मंदिर का निर्माण कम से कम 12वीं शताब्दी में हो जाता है और इसका निर्माण कार्य राजा सूर्यमन कांत ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा सूर्यमन कांत अमरंदवीन के नाम से भी जाना जाता है। साथ में ही वो देवताओं को खुश करने के लिए भी काफ़ी कुछ करते थे और इसी दृष्टि से उन्होंने ऐसे मंदिर का निर्माण किया, जिसके बाद जहां ब्रह्मा विष्णु शिव जी और महेश जी की आराधना एक साथ की जाती है। अंकोरबार मंदिर, बताया जाता है कि इस मंदिर में कम से कम 24वीं शताब्दी में पूर्ण करने का काम राजा धर्मेंद्र द्वारा किया गया था। करणी माता टेंपल, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं करणी माता टेंपल, जहां पर पूजा की जाती है चूहों की। जी हाँ, सही सुना आपने, कहा जाता है कि इस मंदिर में चारों तरफ चूहे नजर आते हैं और यहाँ पर चूहों को ही भोग लगाया जाता है। तो गाइज, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ये तो थे भारत के रहस्यमय मंदिर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ ही एक बेल आइकन होगा जिसको प्रेस करने से ऐसे अपडेट आप लोगों के बीच आती रहेंगी।